यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट। शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस द लीनियर एक्सटेंसिविटी अल्फा। तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि एरिया एक्सपेंशन जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन जो होगा वो अल्फा का ट्वाइस होगा। अल्टीमेटली प्रूफ ये करना है आपको। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एरिया एक्सपेंशन के लिए कोई सिंबल नहीं बताया, हमने उसके लिए बीटा सिंबल यूज किया था, तो इसने उसको सिंबलाइज नहीं किया, इसने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो इसने इसको क्या नहीं किया, सिंबलाइज नहीं किया, मतलब कि इसके लिए कोई सिंबल नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि ये कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। और ये प्रूव करना है ये लीनियर एक्सपेंशन का ट्वाइस होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का ट्वाइस होता है। हालांकि हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट थी। इसमें हमने ये माना था कि जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों ही एल है, तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट हमने कंसीडर की थी डायग्राम में, जिसमें लेंथ ब्रेथ दोनों को ही एल माना गया था, और उसको मान करके हमने ये सॉल्व करके बताया था दैट बीटा इज इक्वल टू टू एल। ये प्रूव किया था हमने। लेकिन अभी ये कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट है, पहले हमने रेक्टेंगुलर शीट में मानी थी, स्क्वेयर शीट मानी थी, स्क्वेयर शीट देखिए जिसकी लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल थी। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी, इसके बेसिस पर ही तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यार हम राइटिंग द सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम लोग एक रेक्टेंगल को दिखाएंगे। दिस रेक्टेंगल इज हैविंग लेंथ एल एंड ब्रेथ बी। इसकी लेंथ एल है और इसकी ब्रेथ जो है उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने बी मान लिया, ठीक है। इसके बाद हमने इसको हीटअप किया, हीटअप करेंगे तो ये एक्सटेंड होगा तो इसकी लेंथ और ब्रेथ में चेंज आएगा। इसकी लेंथ और ब्रेथ में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो रेक्टेंगल था इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी, डायग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं, ये रेक्टेंगुलर शीट बन गई एंड दिस इज द लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट एंड दिस इज द ओरिजिनल ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। अब इसको ए भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, तो एल भी लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसको हीटअप किया, हीटअप करने पर एक्सपेंशन हुआ, ऑब्वियसली एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने के बाद जो नई लेंथ आएगी वो आ जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, दिस इज द न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेथ है बी प्लस डेल्टा बी, दिस इज द न्यू। तो हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया कि इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, आगे की कैलकुलेशन देखते हैं क्या होगी। और इसमें एक दो बातें मैं लिख देता हूँ, पहले जो चेंज इन लेंथ है वो हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा टी एंड चेंज इन ब्रेथ इज इक्वल टू, हम लीनियर एक्सटेंशन मानते हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है और यहाँ पर इसकी ब्रेथ में चेंज हो रहा है। तो मैं इसको कम्प्लीट एरिया मान करके एक्सटेंशन नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लेंथ में कितना चेंज हुआ। चेंज इन लेंथ इज अल्फा एल डेल्टा टी, जनरल फॉर्मूला लगाया हमने इसका। एंड चेंज इन ब्रेथ अल्फा बी मीन्स ओरिजिनल ब्रेथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे काम में आएंगे कैलकुलेशन के अंदर। अच्छा, पहले इसका जो एरिया था वो ए था, पहले जो इसका एरिया था वो क्या था, ए था, और अभी हम फाइंड करेंगे चेंज इन एरिया। जो न्यू एरिया आएगा वो कितना आएगा, ए प्लस डेल्टा ए, दिस इज द न्यू एरिया आफ्टर एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन से पहले देखिए, ये इसका एरिया था जिसको मैंने डार्क किया, दिस इज द एरिया ऑफ द शीट। एक्सपेंशन के बाद में इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा ए प्लस डेल्टा ए। सो चेंज इन एरिया, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग द कैलकुलेशन। चेंज इन एरिया,
चेंज इन एरिया को हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा ए से. और कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें लिखेंगे फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. जनरल कैलकुलेशन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है. डेल्टा ए चेंज इन एरिया डेल्टा ए यहाँ लिखा हुआ देखिए. फाइनल एरिया, फाइनल एरिया कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल एरिया फाइंड करेंगे फाइनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय फाइनल ब्रेथ. यही फॉर्मूला होता है L इंटू बी. तो दिस इज द फाइनल लेंथ एंड फाइनल ब्रेथ. L इंटू बी फाइनल एरिया आ गया. इनिशियल एरिया कैसे निकालेंगे? इनिशियल एरिया निकालेंगे L इंटू बी से. L इंटू बी दिस इज द इनिशियल एरिया. अब बस कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करने है, कैलकुलेशन करनी है और वैल्यूज पुट करनी है. तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. देखिए किस किस की वैल्यू पुट कर सकते हैं. डेल्टा एल और डेल्टा बी की जो वैल्यू मैंने यहाँ पर दे रखी है, डेल्टा एल और डेल्टा बी दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पर दिख रही है. तो ये दोनों वैल्यूज उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे और आगे कैलकुलेशन करते हैं. अच्छा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इन दोनों को. एल इंटू बी एल बी एल इंटू डेल्टा बी. तो यहाँ पर आ जाएगा एल डेल्टा बी. दिस इज द सेकेंड टर्म. L इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा एल इंटू बी. यू कैन राइट बी डेल्टा एल. डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी मल्टीप्लाई से हमने ब्रैकेट ओपन किए. ब्रैकेट ओपन करते ही यहाँ पर ये पैरामीटर्स हमारे सामने आ जाएंगे. ये कैलकुलेशन आई और इस पूरे के माइनस में क्या था? ये जो पूरी स्टेटमेंट थी इस पूरे के माइनस में था एल बी. तो इट इज माइनस एल बी. अब इसके बाद देखिए कैसा कैंसिल हो रहा है, वो आपको इजीली आइडेंटिफाई है. देखिए यहाँ पर ये एल बी पॉजिटिव है, ये एल बी नेगेटिव है. ये कैंसिल हो जाएंगे इस कैलकुलेशन में. और नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बनेगी. डेल्टा ए इज इक्वल टू, डेल्टा ए इज इक्वल टू एल डेल्टा बी. अच्छा, इनकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं साथ साथ. एल डेल्टा बी नेक्स्ट बी डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल डेल्टा बी. अगर ये स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहता, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर. ये एल है, डेल्टा बी की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा बी की जगह पर लिख सकते हैं अल्फा बी डेल्टा बी. तो हेयर आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी. डेल्टा बी की वैल्यू पुट की मैंने अल्फा बी डेल्टा टी प्लस. इसके बाद देखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या होगी. ये है बी और डेल्टा एल. डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पर गिवन है अल्फा एल डेल्टा टी. ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए इस जगह पर. तो यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी प्लस. अब इन दोनों की वैल्यू फिर से पुट करनी है, डेल्टा एल और डेल्टा बी. तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस लगा करके हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं. वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा. डेल्टा एल की वैल्यू क्या है? अल्फा एल डेल्टा टी. एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा बी इज अल्फा बी डेल्टा टी. ओके, तो यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग. टेक द स्क्रीनशॉट. इस कैलकुलेशन तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं. स्टेटमेंट से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है इस पूरी स्टेटमेंट में. यहां पर भी एल है, बी है और अल्फा है. इस जगह पर भी क्या दिख रहा है आपको? बी अल्फा एल. यहां पर भी है बी अल्फा एल. इस जगह पर भी अल्फा बी है, एल बी है और बी भी है. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या करेंगे? यहां पर हम लोग कॉमन लेने वाले किस किस को? एल बी और अल्फा को. तो अल्फा कॉमन लिया और एल बी, ये दोनों क्वांटिटीज को मैंने क्या कर दिया? कॉमन ले लिया. डेल्टा टी को भी ले सकते हैं, डेल्टा टी भी आपको सब जगह पे दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर एल इंटू बी और ये डेल्टा टी, इसको कॉमन ले लिया हमने. तो एल अल्फा बी डेल्टा टी, इस पूरे में से ये चारों क्वांटिटीज हमने कॉमन ली. तो क्या बच जाएगा? तो आंसर है यहाँ पर आएगा वन. और इसमें भी ये चार क्वांटिटीज है, ये सारी क्वांटिटीज को हमने क्या कर लिया? कॉमन लिया. तो यहाँ पर भी क्या रह जाएगा?
यहाँ पर भी वन बह जाएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन। और इस जगह पर क्या क्या बचेगा, एक तो हमने कॉमन लिया, देखिए मैं इसको टिक मार्क कर रहा हूँ, एक तो हमने अल्फा का कॉलम कॉमन लिया, एल को कॉमन लिया और बी को कॉमन लिया और डेल्टा टी को कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बच गया यहाँ पर, अल्फा डेल्टा टी ये सब कॉमन आ रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ पर बचेगा अल्फा डेल्टा टी। अच्छा अब ये जो क्वांटिटी है ये तो बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल है, क्यों है उसके बारे में सुनिए। सबसे पहले नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अल्फा एल बी, देखिए एल बी, ये एल बी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, एरिया लिख सकता हूँ क्या, एरिया क्या होता है, इनिशियल एरिया क्या था, एल इंटू बी, तो एल इंटू बी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, तो मैंने इस एल इंटू बी की जगह पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया, तो हेयर आई एम राइटिंग इन प्लेस ऑफ एल इंटू बी, एल इंटू बी की जगह पर ए लिखा और ये आ गया डेल्टा टी, वन प्लस वन इट विल बी टू एंड प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हेयर आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, अल्फा इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जो अल्फा है उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत छोटी होती है, जैसे कि ब्रास का अल्फा आपने देखा था 0.00002 पर डिग्री सेल्सियस, तो ये जो अल्फा की वैल्यू थी ये तो बहुत स्मॉल थी 0.00002 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब इतने छोटे नंबर से अगर मैं डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी स्मॉल नंबर आएगा, और अगर मैं उसको 2 के साथ ऐड करूंगा, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2.00001 तो इससे क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा, लगभग ये 2 के बराबर ही आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो अल्फा डेल्टा टी, सो अल्फा डेल्टा टी इज नेग्लिजिबल अल्फा डेल्टा टी इज नेग्लिजिबल Neglecting इसलिए इसको क्या किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो इस स्टेटमेंट में क्या क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस डेल्टा टी टू प्लस, ये तो नेग्लेक्ट कर दिया इसको, तो हमने जीरो ही मान लिया, यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ टू रह जाएगा। अब देखिए बाकी सब क्वांटिटीज एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला किसका बनाना है, ये देखो ए डेल्टा टी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए, ये ए डेल्टा टी इधर आया तो इट विल बी इन द डिवाइड, बन गया फॉर्मूला, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सटेंशन, और यहाँ पर क्या बच गया अल्फा और क्या बच गया टू, इक्वल टू में रह जाएगा टू एल एन टू, ये हमने प्रूव कर दिया कि डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी किसके बराबर होता है, टू अल्फा के बराबर होता है। अब यू सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक का ये सॉल्व एग्जांपल है, जिसने सॉल्व भी किया हुआ है फिर भी आप इसको समझ लीजिए। ओके क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया, एक ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ मतलब कि लोहार है, फिक्स है आयरन रिंग, एक आयरन का रिंग है वो किसके ऊपर फिक्स करने वाला है, एक वुडन व्हील है, लकड़ी का एक व्हील है जो किसमें काम आता है, गुल लोक पार्ट में, जो बैलगाड़ी होती है उसमें इस तरह के व्हील होते हैं, तो सबसे पहले मैं व्हील बनाता हूँ, सो दिस इज ए वुडन व्हील, ये एक लकड़ी का व्हील है, वुडन व्हील है, ओके तो ये जो वुडन व्हील है इसके ऊपर क्या करना है, एक आयरन की रिंग को फिक्स करना है, अब इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर गिवन है 5.243 मतलब इसका डायमीटर ज्यादा,
और इसके ऊपर एक आयरन की रिंग को लगाना, एक आयरन की रिंग को लगाना, वो जो आयरन की रिंग है उसका डायमीटर है 5.231। तो देखिए ये तो इसके ऊपर फिक्स नहीं हो सकती है, ये तो इसके ऊपर क्या नहीं हो पाएगी, फिक्स नहीं हो पाएगी। अब जो मेरे पास व्हील है वो इतना बड़ा है, अब उसके ऊपर एक रिंग लगानी है, उसके ऊपर एक आयरन की क्या लगानी है, रिंग लगानी है, और रिंग का डायमीटर तो कम है, तो इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो इसको इसके ऊपर कैसे फिक्स किया जा सकता है। जो रिंग है दिस इज, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको रिंग बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज रिम, ये रिम है, ये व्हील का क्या है, रिम है, जिसके ऊपर क्या लगानी है, जिसके ऊपर रिंग लगानी है, सेम सेम वर्ड है, कंफ्यूजन ना हो इसका ध्यान रखिएगा। तो रिम के ऊपर क्या लगानी है, रिम के ऊपर रिंग लगानी है आयरन की, लेकिन जो रिम है उसका डायमीटर ज्यादा है, आयरन की जो रिंग है उसका डायमीटर कम है, तो कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो कैसे फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक बॉटल है, तो मैंने इसको ऐसा किया तो मेरे पास ये आया सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। अब ये मान लीजिए व्हील है, इस व्हील के ऊपर मेरे को एक रिंग लगानी है, अब व्हील तो इतना बड़ा है और रिंग है छोटी, तो इसके ऊपर कैसे फिक्स होगी, तो फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन, क्या करना पड़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो हम जैसे इसको हीटअप करेंगे, हीटअप करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होते ही हम इसके ऊपर इसको फिक्स कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे, फिर इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल देंगे, ठंडा पानी डाल देंगे, जैसे ही पानी डालेंगे ये रिंग का डायमीटर फिर से कम होगा, रिंग का डायमीटर फिर से कम होगा, तो ये इस वुडन रिंग के ऊपर ये जो व्हील है, लकड़ी का जो व्हील है, इसके ऊपर ऐसा टाइटली पैक्ड हो जाएगा। तो एक बार रिंग को हीटअप करेंगे, हीटअप करने पर वो एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा, फिर व्हील के ऊपर हम आसानी से उसको लगा लेंगे, लगाने के बाद दोबारा उसको ठंडा कर देंगे, ठंडा करते ही वो व्हील के ऊपर टाइटली पैक्ड हो जाएगा, दोबारा से निकलेगा नहीं, जब तक उसको हीटअप नहीं करेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे, तब तक वो उस व्हील के अंदर से, व्हील के ऊपर से नहीं निकलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इनिशियल डायमीटर ये है, और हीटअप करके फाइनल डायमीटर ये करनी पड़ेगी, जो व्हील की डायमीटर है वही डायमीटर हमें इसकी रिंग की करनी पड़ेगी। तो ये है इनिशियल डायमीटर 5.231, और ये है फाइनल डायमीटर। तो आपको इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ भी बने, कैसे की बने, इसने तो डायमीटर दे रखे हैं, और हम लोग सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं इसकी, सर्कमफेरेंस कितनी आएगी, सर्कमफेरेंस से हमें क्या मिल जाएगी, इसकी लेंथ मिल जाएगी, कि हम लोग यहाँ से चलना शुरू करेंगे और घूम करके वापस यहाँ आ जाएंगे तो कितनी लेंथ हो जाएगी, मतलब कि इस रिंग को अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो बिल्कुल वो सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट रोड बन जाएगी वो, तो ठीक है। तो लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ निकालने के लिए सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। लेकिन यहाँ पर r गिवन नहीं है, रेडियस गिवन नहीं है, यहाँ पर गिवन है डायमीटर, रेडियस गिवन नहीं है, क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर गिवन है तो डायमीटर के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या लिख देंगे, 5d, मतलब डायमीटर। अगर रेडियस गिवन होती तो सर्कमफेरेंस 2πr से निकालते, अगर डायमीटर गिवन है तो सर्कमफेरेंस कैसे लिखी जाती है, पाई डी से लिखी जाती है, पाई डी से लिखी जाती है, ओके। अल्टीमेटली ये जो 2r होता है ना, ये 2 into r, ये किसके बराबर होता है, डायमीटर के तो बराबर होता है, तो 2r की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई डी, ओके। अब इसका सोल्यूशन देखिए, मैं क्वेश्चन को इरेज करने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन समझ आ गए, हम लोग इसके पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, सबसे पहले सॉल्यूशन में डायमीटर्स गिवन है, ओके, डायमीटर के बेस पर मैं लेंथ निकालूंगा, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ एट टेम्परेचर T1। अच्छा, ये T1 और T2 टेम्परेचर क्या होंगे, पहले इसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर को डिसाइड करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर को मैं T1 मान रहा हूँ, विच इज 27°C, और फाइनल टेम्परेचर ये हमसे पूछ रहे हैं कि किस टेम्परेचर पर वो जो रिंग है वो रिंग के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी,
रिंग के ऊपर लग जाएगी, तो पी2 हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, पी2 को फाइंड करना। अच्छा अब हम लेंथ लिखते हैं, लेंथ एट T1 टेम्परेचर, तो मैंने इसको लिखा L T1, लेंथ एट T1 टेम्परेचर, कितनी लेंथ गिवन है, लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अभी बताया मैंने आपको पाई बी, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले पाई, और डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है 5.231, और इसको गर्म करना है, गर्म करके एक्सटेंड करना है, कितना एक्सटेंड करना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेंथ एट T2 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर पर क्या लेंथ होगी, पाई इंटू 5.243, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके तो ये हमारे पास है, अब इसके बाद हमें तो फॉर्मूला लगाना है, जनरल फॉर्मूला, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसकी, देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा सी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसके पैरामीटर्स को देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, जनरल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज ऑल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन, अल्फा इज ऑल्सो गिवन, अल्फा इज इक्वल टू 1.20 इंटू 10^-5 केल्विन इनवर्स, दिस इज द अल्फा ऑफ द आयरन, अल्फा ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ किस टेम्परेचर पर है, T1 टेम्परेचर पर है, एंड डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर, और हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर T तो पता लगेगा, T2 कितना आएगा, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, किसका, डेल्टा T का फॉर्मूला, तो डेल्टा T का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये अल्फा और ये L, ये मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में रहेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा L इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन, सॉरी मल्टीप्लाई बाय अल्फा, दिस इज द फॉर्मूला। और इसको एक्सटेंड करते हैं, डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T को लिख सकते हैं T2 - T1, डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं, T2 - T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा L, डेल्टा L को क्या लिख सकते हैं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ इज एट टेम्परेचर T2, इनिशियल लेंथ इज एट टेम्परेचर T1, डिवाइड बाय L T1 इंटू अल्फा, L T1 इंटू अल्फा, तो ये फॉर्मूला बन गया, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया, डेल्टा T की जगह T2 - T1 लिख दिया, और डेल्टा L की जगह लिख दिया फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा वैल्यूज पुट करने से पहले फॉर्मूला में और चेंज कर सकते हैं हम, ये T2 - T1, T1 तो दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और हमें इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, T2 को फाइंड करना है, तो ये T1 को उधर शिफ्ट कर दें, उधर शिफ्ट करने ये माइनस से उधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हियर द फाइनल फॉर्मूला इज T2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना गिवन है, फाइनल लेंथ एट T2 टेम्परेचर, इनिशियल लेंथ एट T1 टेम्परेचर, इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय अल्फा, और माइनस T1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस T1 हो जाएगा, तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे L T2, फाइनल लेंथ इज दिस वन, T2 टेम्परेचर पे होगी ना फाइनल लेंथ, तो कितनी होगी 5.243 इंटू 5.243 × 5, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओरिजिनल लेंथ इज 5.231 × 5, नेक्स्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इज 5.231 × 5 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज 1.20 इंटू 10^-5, और इस पूरे के प्लस में कितना आएगा 27, प्लस में T1 है ना, तो T1 कितना गिवन है, T1 इज 27 डिग्री है। अब देखिए सबसे पहले ये पाई कैंसिल हो सकता है, अच्छा माइनस कर लो, माइनस करके फिर पाई कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पाई को कॉमन भी लिख रहा हूँ और माइनस भी कर रहा हूँ, ऊपर से पाई कॉमन आ गया, नीचे से भी पाई कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 5.243 - 5.231, और ये जो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 0.012, ये हमने माइनस किया इसको, उसके बाद में डिवाइड में क्या बचेगा, डिवाइड में बचेगा 5.231 इंटू 1.2 या 1.2 भी लिख सकते हैं इंटू 10 to the power -5, और इस पूरे के प्लस में क्या है, इस पूरे के प्लस में 27, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभी टाइम जो है वो सिर्फ 2-3 मिनट बचे हैं। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा 191.1 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में क्या था, प्लस में था 27। इस पूरे का सोल्यूशन बताएंगे आपको, देखिए सोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले पॉइंट्स को हटा देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 1000 आएगा, डिवाइड में 1000 आएगा, वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1.20 है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 आ जाएगा, और ये 10 to the power -5 है, ये अप पेयर से जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 to the power 5 × 100 10 to the power 7 हो जाएगा, और ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 to the power ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और 10 to the power 6 बचेगी, ये 0 पे कैंसिल होगा, ये 120 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 10 to the power 6, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऊपर बचेगा 10 to the power 6 और डिवाइड में आएगा 5231, इसको डिवाइड किया, 10 to the power 6 का मतलब है 10 lakh, तो 10 lakh को डिवाइड करना है 5231 से, 5231 से, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये सोल्यूशन आएगा, तो फाइनल रिजल्ट इज 218.1 डिग्री सेल्सियस, और बुक के अंदर दे रखा है 218, तो लगभग कितना आएगा 218 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सोल्यूशन, स्क्रीनशॉट लीजिए, then I will give you another question. Just take the screenshot.